हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेट यानी कि CUET PG 2023 के एग्ज़ाम फॉर्म भरने जा रहे हैं और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, और मैं एक एग्ज़ाम फॉर्म MED का एक इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर के भी दिखाऊँगा। तो जिन बच्चों को इस बार एग्ज़ाम देना है CUET PG 2023 का पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए किसी भी कोर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, खास तौर पे अगर MED में आप देना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं MED का एक फॉर्म भी भरूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। और एक सवाल अगर आपके मन में ये है कि ये लिंक कैसे आया, मतलब ये जो मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कैसे आया, बड़ा सिंपल सी बात है। आपको सर्च करना है बच्चों, CUET सर्च कर लीजिए आप आराम से। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं इसको यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। आपने सिंपल सी बात क्या करना है, CUET PG सर्च कर लीजिए आप। CUET PG आप जैसे ही सर्च करते हैं, आपके गूगल पे ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आ गया CUET PG, करेक्ट। CUET PG यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023। क्लिक कर लिया आपने, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस आ गया जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर लीजिए, मोस्टली बच्चे पहली बार ही कर रहे हैं। अगर इन केस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम आ जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ गए, कुछ यहाँ पे जनरल डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, तो सबसे पहले आप देखेंगे नीचे लिखा गया है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं जब तक डाउनलोड हो रहा है, बाकी एक और डिटेल्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम इंडियन हैं, तो हमें फ़ीस कितना देना है, जनरल वालों के लिए 1000, OBC और जनरल कैटेगरी में EWS के लिए 800 रुपये फ़ीस है, SC ST के 750 और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD इसके लिए है 700 रुपये है फीस पेमेंट। अच्छा, एक और बात यह है कि PG में बच्चे फॉरेन से भी, मतलब दूसरे कंट्री के भी लोग अप्लाई करते हैं, सो उनके लिए 5000 रुपये है, ठीक है, अमीर लोग हैं वो लोग। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी आ जाइए। कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया कि कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कितने का क्या रहेगा, और उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं ये पासवर्ड कैसे क्या बनाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में, वो तो हम जब भरेंगे तो साथ ही साथ देखते चलेंगे। आप यहाँ पे हम सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एबो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर प्रोसीड कर लेते हैं। चलिए, अब आइए अपना डिटेल्स, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में अपने डिटेल्स भर लेते हैं। तो अपना नाम भर लीजिए, मैं जैसे नाम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी भर लेता हूँ, ठीक है। सो इस नाम भरूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने भर लिया कुछ भी, क्या लिखते हैं, सोनू में लिखेगा, तो सोनू का मैंने फॉर्म भर लिया। फादर्स नेम सोनू, के पिताजी का नाम क्या लिखते हैं, मिस्टर सीनियर सोनू, सीनियर सोनू, और मिसेस कुछ भी यहाँ पे मैंने मदर के नाम में डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ हम डाल लेते हैं कुछ भी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया। चलो, जेंडर हमने मेल सेलेक्ट कर लिया एग्जांपल के तौर पे। नेशनलिटी क्या रहेगी, नेशनलिटी हमारी इंडियन रहेगी अगर हम इंडियन से दे रहे हैं तो, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप में अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिटी टाइप में आप क्या भर सकते हैं, आइडेंटिटी टाइप में मान लीजिए अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड है, मतलब वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। तो हमारे पास अगर आधार कार्ड है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, आधार कार्ड के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आधार कार्ड का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, तो हमने यहाँ पर से। अब आते हैं इंटर वैलिड आइडेंटिटी, तो अगर आपने ये एनी अदर किया तो आप आधार नंबर डाल दीजिए। तो सोनू का आधार नंबर मेरे पास तो है नहीं, तो डाल लेते हैं कुछ, सोनू का आधार नंबर हो गया मान लीजिए, मैं ये डालते हैं। चलिए, अब उस सोनू का एड्रेस डाल देते हैं, सोनू का एड्रेस कहाँ रहता है, कहीं भी होता होगा, ठीक है, उसकी लोकेलिटी कुछ भी होती होगी, लोकेलिटी में कुछ भी डाल देते हैं, कंट्री तो इंडिया रहेगा भाई, सोनू है तो भाई इंडिया ही, इंडिया हमने डाल दिया। स्टेट सोनू का स्टेट हम क्या डालें, चलिए स्टेट हमने उत्तर प्रदेश डाल दिया, ठीक है। नीचे अगर आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे ही होगा, चलिए कर्नाटका ही डाल दिया, कोई बात, डिस्ट्रिक्ट हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर कुछ और नहीं डाल सकते, मोबाइल नंबर वो डालेंगे जिस पर OTP आएगी, करेक्ट। तो OTP के लिए हम OTP वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं और एक उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर कन्फर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो गलत नंबर से काम नहीं चलेगा, बट यहाँ पर सही डालना पड़ेगा।
ठीक है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा कंफर्म भी, मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म, जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसे कंफर्म कर लीजिएगा। ईमेल आईडी वैलिड डालिएगा, उसको याद रखिएगा, उस पर पासवर्ड आएगा, ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेंगे। अल्टरनेटिव नंबर अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, एड्रेस में हम सेम कर लेंगे, ठीक है, दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर, हाँ, पासवर्ड, पासवर्ड में हमें कैसे डालना है, पासवर्ड में हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड में कैसे डालना है, पासवर्ड में एक पासवर्ड में कह रहा है कि 8 से 13 अंक होना चाहिए एटलीस्ट, इसको इसको डालना कैसे ये समझ लीजिए। पासवर्ड में आपका जो भी नाम हो ना, पहला लेटर कैपिटल कर लीजिएगा, सोनू का पहला कैपिटल SONU सोनू हो गया। उसके बाद एक कोई अंक डाल दीजिए, चाहे डॉट डाल दीजिए, चाहे आप एड डाल दीजिए, चाहे प्लस, कोई एक आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 नंबर, 1 2 3 4, टोटल 8 डिजिट होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड बना लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सेम पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में मान लीजिए आपने ले लिया पासवर्ड यहाँ पे, सिक्योरिटी में आपने ले लिया आपकी फेवरेट, विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो फेवरेट बुक में अब मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप मुस्लिम से हैं तो यहाँ पे फेवरेट बुक में कुरान लिख लीजिएगा, और अगर आप मुस्लिम नॉन मुस्लिम से, चाहे हिंदुज़म को फॉलो करते हैं तो आप गीता लिख लीजिएगा, और अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो बाइबल लिख लीजिएगा, मतलब जो भी आप। फिर ये पिन आपको यहाँ डाल देना, सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट जैसे ही आप करेंगे बच्चों, दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे ना, कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, इसमें आपको ये इसमें आपको ये बताएगा कि अब जो आपके पास पेज आने वाला है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट करिएगा, नहीं तो सबमिट एंड सेट OTP कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको, इसके बाद जो पेज आएगा उसको आपको अच्छे से देख लेना है, ओके। इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, कट कर दोस्तों, कट करने के बाद ऐसा पेज आ गया, हम वन बाई वन ऊपर देखेंगे, नाम सही है तो ना इस सब पे टिक कर लेंगे, अगर सब सही है तो, ठीक है। सब सही करने नीचे साथ ही सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करेंगे, OTP आएगा, OTP एंटर करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हो गया, अब यहाँ से आपको करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है। तो क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, आराम से देखते हो, चलिए। तो क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से सोनू मोनू नहीं, मेरा खुद का फॉर्म भराने जा रहा है, तो बड़ी सावधानी से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पे हमने क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कर लिया। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ऑलरेडी मैंने कुछ फॉर्म भर रखे हैं, ठीक है, तो आपको वन बाई वन शुरू कराते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो ऑलरेडी भर रखा था हमने, पर्सनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी अगर आप आएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी भर रखा था, हम यहाँ पे आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल्स में आपने सब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। उसके बाद आप स्टेट कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, कैटेगरी आपने OBC डाल दिया, यहाँ पे जनरल है तो जनरल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप PWD के अंतर्गत आते हैं, अगर यस तो यस कर दीजिए, नो तो नो कर लेकर, मान लीजिए आप यस कर लेते हैं, आप चाहे तो यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको डिसेबिलिटी टाइप्स और ये सारी चीज़ें भरनी है, तो फिलहाल हम नो कर लेते हैं कि आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी, चलिए नो कर लिया। अब आप क्या स्पोर्ट्स कोटा को क्लेम करना चाहते हैं, नो। क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, नहीं है, नो कर लिया। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आप कितना कमाते हैं, तो अगर आपकी कमाई 7 लाख 8 लाख 6 लाख कितना है, भैया गरीब लोग हैं हम लोग, तो हम बिलो अप टू 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख मतलब यही सबसे कम से कम है, चलिए। आपके रिलीजियस में आप डाल सकते हैं मुस्लिम्स हिंदू, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है यहाँ पे आपके हिंदुइज़्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिस्ट, सिख, अदर, जैन, तो आपने जो भी डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या अभी कोई एम्प्लॉय है, स्टेटस या जो अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉय कर लीजिए। आर यू कश्मीरी माइग्रेट, नो कर लीजिए। और आपका जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, हमारी सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पिन जो हमने वो डाल के सेव और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपडेट करना है। तो आधार कार्ड अपडेट करने में सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया होगा, ठीक है। यहाँ मेरा चूंकि मैंने भर लिया है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 3 पॉइंट दिया। पहले वाले को आपको टिक करना है, ठीक है, जो लिखा है कि हाँ मैं आधार नंबर शेयर करना चाहता हूँ। बाकी में एक में दिया होगा कि नहीं मैं नहीं शेयर करना चाहता, तीसरे में दिया होगा कि मेरा आधार नंबर गलत है, तो आपको पहले पे क्लिक करना है। पहले पे टिक करने के बाद आप आधार नंबर डालेंगे, सबमिट कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में देना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा, ओके। नीचे वाले में आपको टेस्ट पेपर कौन सा देना है, तो यहाँ पे बच्चों आपको जो भी देना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो मैं MED के बारे में बता रहा हूँ कि MED के जो बच्चों को MED करना है वो क्या फिल करेंगे। आप इसको स्लाइड करते हुए आइए,
आप देखिए, आप स्लाइड करते हुए आएंगे तो आपको एक कोड मिलेगा। देखिए आप नीचे आइए, आपको करना क्या है, आपको एमेड करना है। तो COQP15 देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, COQ Paper 15, आप इस पे एमेड वाले पे क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करके बस छोड़ देना। एक बार यहाँ पे देखिए क्लिक है ना, मैं ये यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो हमने स्टार्टिंग में एक बुलेटिन, एक पूरा नोटिफिकेशन जारी डाउनलोड किया था, तो देखेंगे COQP15 में एजुकेशन एमएड वाले ये वाला कोड सिलेक्ट करेंगे। आगे इसकी क्राइटेरिया दी गई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या आपकी क्राइटेरिया मांग रही है, क्या एलिजिबिलिटी मांग रही है, तो हमें इस पर बाद में जाएंगे, इसको किसी अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है। ठीक है, लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कौन सा सिलेक्ट कर लिया था, ये COQP15 हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर फिल करना है, तो आप कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में आप पहला सेंटर चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में चूज़ करना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश, बिहार तो बिहार, और यूपी के किस सिटी में आप चूज़ करना चाहते हैं। जैसे आपने यूपी सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपने यूपी सेलेक्ट कर लिया, यूपी की किस में, लखनऊ में, तो मैंने लखनऊ में ले लिया। दूसरा आपको सेकेंड एग्जामिनेशन सेंटर उत्तर, कौन से स्टेट में, यूपी, और दूसरा आपने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे आप फादर ऑक्यूपेशन के, आपके पापा जी क्या करते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा कि वो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियर हैं, प्राइवेट सर्विस में है, टीचिंग है, तो आप क्या लिखना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। और मम्मी के बारे में, यहाँ पे नीचे पापा का क्वालिफिकेशन मेंशन करना है, नीचे मम्मी जी का ऑक्यूपेशन और उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद हम डालते हैं सिक्योरिटी पिन, चलिए सिक्योरिटी पिन हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होकर जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये चेक करना है कि क्वेश्चन पेपर में, देखिए कुछ पेपर होते हैं जो लैंग्वेज के पेपर होंगे, उसको आप किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, आप हिंदी या कुछ 15 जो सवाल अबव के होंगे सेक्शन ए के, सेक्शन ए में किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल, सिंपल सी बात है, हिंदी की इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, तो आपने हिंदी में ले लिया। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं, कि कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है तो हिंदी या इंग्लिश, आप जो बेस्ट से बेस्ट हो आपके लिए, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपने हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, हमने हिंदी सेलेक्ट कर ली। अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, नीचे यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, साउथ बिहार, या फिर आप कौन सी, यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल, तो सबसे अच्छी बात है कि आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए सिक्योरिटी पिन, जैसे ही आप सिक्योरिटी पिन डालते हैं आपको यहाँ पे आप आ जाते हैं नेक्स्ट, सॉरी सिक्योरिटी पिन डालने के बाद ये भी तो करना होता है सेव एंड नेक्स्ट, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने डिटेल्स की तरफ, क्वालिफिकेशन आपको डिटेल्स में क्या डालना है, तो चलिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालते हैं टेंथ में आप क्या हैं, पास हैं कि फेल हैं, कि तो पास हैं, पास ही होंगे तभी तो आप आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम कौन से ईयर में आपने पास किया था, ठीक है, तो आपने ईयर डाल देना है जो भी ईयर में आपने पास आउट किया था। उसके बाद आप कौन से आपने बोर्ड से पास आउट किया था, ठीक है, कौन से बोर्ड का भी आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने यूपी से किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश कहाँ गया, हाँ यूपी बोर्ड हाई स्कूल, यहाँ पे देखिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन से यहाँ पर लिख के आ रहा है। ठीक है, हाई स्कूल जिस कॉलेज से करा था उस कॉलेज का नाम, शहर का नाम और पिन कोड डाल दीजिएगा बस यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद ठीक है, आपको अपने 12th का डिटेल यहां पे डाल देना है, ट्यूटर पास है तो पास कर दीजिएगा, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स नेम आपने कैसे किया था, 12th का रिक्वायरमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद किस बोर्ड से किया था यूपी, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, और वैसे ही आपको ग्रेजुएशन के डिटेल्स डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे पिन डालना है, आइए हम फटाफट से फिल कर लेते हैं। ओके दोस्तों, सारी डिटेल्स भरने के बाद हम यहां पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, और श्योर वांट टू सबमिट द सेशन ये हमने यहां पे सेव। अगला हमसे पूछ रहा है कि हैव यू अपीयर्ड एंड पास्ड एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम्स, तो कोई किया तो नहीं है, मगर अगर हम यस करते हैं तो आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी कौन सा किया, अगर नहीं किया तो नो कर लेते हैं। चलिए सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं भाई, सिक्योरिटी पिन, इसके बाद बस पेमेंट रहेगा, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हम सिक्योरिटी पिन में सब कैपिटल में है ना, चलिए 5569 5569 ओके, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं।
जस्ट यस कर लेते हैं। चलिए इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हमें फोटो अपलोड करना है और इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आइए फोटो अपलोड कर लेते हैं और इसको सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 100 KB होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 100, मिनिमम 10, 100 है 10। ये तो आसानी से सारे वैसे होते हैं। अगर इसमें क्या होगा ना, आप एक काम करना, पेज पे लिख लेना, सिग्नेचर कर लेना और एक फ़ोटो लेके किसी को व्हाट्सअप करना, उसको बोलना दोबारा व्हाट्सअप कर दे, तो व्हाट्सअप पे आने पे ऑटोमेटिक 100 से कम में आ जाता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे इसको फ़ोटो को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फोटो कैसे आप करेंगे, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर आराम से करना दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई जल्दी नहीं है, तो हम यहाँ पे चूज़ फाइल पे आ जाते हैं और आ जाते हैं अपनी फाइल पे, यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, वैसे ही हम आ जाते हैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। यहाँ पे पता है कुछ साइज़ का मसला होगा, मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आप सिंपल सा एक काम कर लेना, आप देखेंगे ना यहाँ पे कुछ ये, आप इस चक्कर मत पड़ना। ठीक है, आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पे एक लिखा होगा अपलोड ओरिजिनल, बस यहाँ पे क्लिक करना, काम आपका हो जाएगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपलोड यहाँ पे आप अपलोड पे एक्शन पे आ जाओ, यहाँ पे आप अपलोड करिए तो आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे ओके अपलोडेड डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोडेड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोडेड दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से चेक करना चाहें आपकी फ़ोटो तो यहाँ पे दिखा रही है। वैसे ही आप यहाँ से फ़ोटो भी अपलोड, सिग्नेचर भी अपलोड कर लीजिए। सिग्नेचर भी आप अपलोड करेंगे तो बात खत्म, अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स करके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। चलिए, अब आपका सारा काम हो गया, अब आप यहाँ पे पेमेंट करने चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। सिक्योरिटी पिन में क्या क्या, सिक्योरिटी पिन हमेशा कैपिटल ही देता है, बी की। अच्छा, मेरी फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही है, ओके थैंक यू सो मच बताने के लिए, 926। अच्छा, आपको मेरे फ़ोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है भाई, इसीलिए देखो इसीलिए मिसमैच हो गया। QA653 36। चलिए ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही फाइनल सबमिट के लिए एक नोटिफिकेशन आया है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिटिंग, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। ओके, लेफ्ट मेन्यू बार मतलब इधर कोई दिया है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम चेंज करेंगे। तो पहले आइए हम देख लेते हैं कि सारी हमारे डिटेल सही है कि नहीं है, तो पहले यहाँ से कट करते हैं। ओके, अब यहाँ से बच्चों वन बाई वन यहाँ पे देख लेंगे। तो पहले आप कैंडिडेट नेम देख लीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, फिर मेल या फीमेल है वो भी देख लीजिए, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो देख लीजिए, और कौन से कास्ट में हैं, W नहीं है, नहीं है, अप टू 1 लाख, रिलीजन, नेशनैलिटी, एम्प्लॉयड, कश्मीरी, आधार वेरीफाइड। चलिए अब आइए अप्लाई फॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था किसके लिए आपने अप्लाई किया, UG PG, ये MEd के लिए आपने अप्लाई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, आपने सेंटर कौन सा लिया, लखनऊ, फादर ऑक्यूपेशंस, फादर क्वालिफिकेशंस, अदर इंक्लूडिंग हाउस, अच्छा ये मम्मी के बारे में, ओके वेरी गुड। अब आपने ये दिया, आपने यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करी, तो आपने ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपने हाई स्कूल कब पास किया था, हाई स्कूल के बारे में, 2000 जब भी आपने पास किया हो, कौन से बोर्ड से पास किया था, परसेंटेज था, मैक्सिमम इतना था, ये आपने इंस्टीट्यूट का नाम डाला, बहुत सही। ठीक, वैसे ही आपने 12th में कब पास किया, इतना पास किया, आपने मार्क्स इतने मिले थे, और ओके ठीक है, सारी चीज़ें सही है, बहुत सही। ठीक, वैसे ग्रेजुएशन का आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप अपना एड्रेस देख लीजिए, एड्रेस में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। एड्रेस के बाद अपना फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो साफ़ है कि नहीं है, सिग्नेचर साफ़ है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वन बाई वन सब यहाँ पे टिक कर देंगे, तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं, सब मेरा सही था ये दुनिया। चलिए यहाँ पे आपने सारा सही कर लिया, अब यहाँ पे क्या करना है, आई एग्री और फाइनली सबमिट कर लेना, कर दें तो आपने एग्री किया, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन कर लिया, यस कर। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे। अब यहाँ पे कह रहा है कि योर फीस पेमेंट करने से पहले आप योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड क्लिक है, तो आप चलिए वहाँ पे क्लिक करके हम अपना ईमेल वेरीफाई करा लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक करके ईमेल वेरीफाई करा लिया बच्चों, ईमेल आईडी हमारा दिया गया, सिक्योरिटी पिन डाल देना है। चलिए सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं, सिक्योरिटी पिन में क्या दिया है, 908। आपका रेट कितना मनहूस बच्चा है, कितना धीरे धीरे भर रहा है ना, आप यही बोल रहे हो मुझे पक्का बताएं।
भाई रात के 1 बज रहे हैं भाई, रात के 2:16 हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया सिक्योरिटी, प्लीज़ चेक आउट द ओटीपी, क्योंकि मेरे ईमेल आईडी पे ओटीपी आया है। ओटीपी क्या आया है? यार ओटीपी कहाँ गया? तब तक पॉज कर। हाँ जी आ गया, ओटीपी आ गया मेरे पास। ओटीपी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ओटीपी क्या आया था? 120888। वेरीफाई कर दिया हमने, वेरीफाई हो गया। अब क्या कह रहा है कि क्लिक हियर टू गो होम, मतलब वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है? पे एग्जामिनेशन फीस पे आना है, ठीक है? एडिट एप्लीकेशन करना है या पे एग्जामिनेशन फीस? तो यार मैं एक बार चेक कर लूँगा, उसके बाद पे एग्जामिनेशन। ये तो फॉर्म तो सारा हो गया ना, बस फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? चलो यार कर लेते हैं हटाओ, आप भी क्या याद रखोगे। पे एग्जामिनेशन फीस पे आना है, ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन ओके कर लेते हैं। और ऑनलाइन के बाद कैसे पेमेंट करना है आपको? कस्टमर आईडी ये दिया है, कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक नेट बैंकिंग ऑप्शंस। तो आप कैसे करेंगे वो तो पेमेंट करना, तो पेमेंट तो कर ही लेंगे यार। 800 रुपये लग रहे हैं, करेक्ट? फीस अमाउंट कितना है? 800 रुपये। 800 रुपये हम यहाँ पर पे कर देंगे पेमेंट रिक्वेस्ट में। पेमेंट करने के बाद आपका सारा फाइनल हो जाएगा, फाइनल प्रिंट आउट लीजिए, काम खत्म, ठीक है? तो मैं एक बार यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ यार, मैं एक बार देख लूँगा एप्लीकेशंस को कि क्या है, कुछ सही है तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। और इसको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप फॉर्म वॉर्म भर लीजिए और फिर साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत साथियों।